आज मैंने तो बहुत वीडियो बनाई। एमपी में आता है? हाँ। कौन सा जिला? नमस्कार दोस्तों, मेरे फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम मैं हूँ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के बन गए गांव में, और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कितने सारे छुट्टा जानवर हैं, जो जिनको अन्न पशु कहते हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं और बीच बस्ती के पास हैं बिल्कुल, जहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, लोगों के घर बने हुए हैं और वहीं पे ये इतने सारे जानवर हैं। तो यहाँ के लोगों से जब हम बात करी तो लोगों ने कहा, एक तो फसल हमारी ये नुकसान करते हैं, ऊपर से यहाँ पे हैं तो इससे और भी खतरे रहते हैं। तो एक फसल का जो नुकसान हो रहा है, बेमौसम जो बारिश हुई, ओले गिरे, उससे भी किसानों का बहुत नुकसान हुआ, और ऊपर से ये जो अन्न पशु हैं इससे भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ने गाँव गाँव पे गौशाला बनाने का काम तो शुरू किया है, लेकिन अभी यहाँ पे गौशाला बना है या नहीं है तो इन लोगों से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि ये जानवर यहाँ पे क्यों इकट्ठा है। आई दादी, बोलिए, खड़ी जाइए। क्या नाम है आपका? उस्मा। उस्मा, हाँ। ये जानवर कैसे हैं यहाँ पे, किसके हैं जानवर? अब आ जाते ही गांव गली के कौन गांव के आ जा रहे, सब रंग की आ रहे। किस तरह का नुकसान है? गेहूँ खा लेते हैं, फिरते हैं सब, ढूंढ खेतन में घुस जाते हैं, भगाते हैं, भगत भगत रंजन क्या करे, बहुत परे। और क्या करें बहन जी, तो इसकी शिकायत थी कि आपने कहीं पे गौशाला नहीं है आपके गांव में? गौशाला नहीं है। आपके प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान अब घर पे आएंगे, वे सुनते ही नहीं, हम क्या करें। आपने वोट दिया था उन्हें? वोट का आया था? वोट नहीं दिया, प्रधान का वैसे ही बन गए। अभी क्या जरूरत है आपको इन गाँव के लिए, आपकी फसल बचाने के लिए किस चीज का उपाय कर रहे हैं? गौशाला बनवा दो, हम बहुत परेशान है, हम तो गौशाला हो जाएगा तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी, भू नहीं जाएगी, जैसे ये अगरे वगैरह फिर रहे और घरन में घुस जा रहा है, घरन में घुस घुस जा रहा है, खेतन में घुस जा रहा है, परेशान ही। आप कौन देखा है कहीं पे? हमें उड़ता में देखा होगा आपने, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारी तो औलाद भूलेगी, इधर आओ तो बोल दो, आ जाओ। क्या बोले मैम, बता? लक्ष्मी यादव। आप बताइए, मैम और क्या है, बदम खेते में घुस जाते तो रखत पल्ली परेशान करती, घर में भी घुस जाती, बच्चे की दिक्कत है, अब बच्चे खेल कूद रहे, बच्चन की माँ देखो कितनी है रखत, आपको तो पता है। आप कितने जान रहे हैं मैम? कम से कम 200-300 नंग है, अभी और आ जाएंगे, हाँ शाम के इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे अब मैम क्या, अपने अपने घर में सो जाते ही पता नहीं, फिरते रहते बस, बसा तो क्या, हो जाते हैं यहाँ पे, हो जाती है हमारी बकरी में, हो जाती है जहाँ जी बकरी फूटी है वहीं पे बैठते हैं, बस जी, और कोई समस्या नहीं है, रखते ही की समस्या है। बच्चों को भी डर रहता है? बच्चों को डर रहता नहीं, देखो खेलते हैं। आप क्या कर रहे थे? बोलो, क्या नाम है आपका? सरोज। क्या कर रहे थे जी? बोल रहे थे कि इनकी समस्या कर दो, बस गौशाला बनवा दो। आपने अपने प्रधान से कहा? हमें प्रधान सुनता ही नहीं है, सुना ही नहीं गए प्रधान का, कि प्रधान से कौन है वो? क्या उम्मीद थी कि प्रधान अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे आप वो आवास भी बनवाएंगे, ये भी बनवाएंगे, लाइट पट्टा कुछ नहीं बना मैम, अभी लाइट की भी समस्या है, लाइट भी नहीं आती, खम्मा डले, देखो जी डले मैम, डले कब से खराब है लाइट? 2 महीने हो गए मैम, तब से है ही नहीं है, नहीं। लोग
हमारे दुआ पे वो रखी, वो कहना डोरी केवल नीम पे रखी है। अब कोई लेसे आ जाए, पानी भूर है, हिरण टाला आ जाए, बच्चा पकड़ ले तो किसका नुकसान है, हमारे भुगतेंगे। डोरी वाले ने डोरी रखवा दी, आदमी मान नहीं रहे, लाइट देखो जी ले जा रहे हैं। तो अगर जैसे आप लोग के फोन वगैरह है, कहाँ चार्ज करते हो? करते हैं, कहीं खिलार कर लेती, कहीं खत्म कर लेती, खिलार बगल में मेरा यूपी में, इधर उधर जाना। हाँ, इस साइड से लाइट है तो इस साइड की तो आ रही है, इस साइड ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब भागे जा रहे हैं। अब तो तुम लोग पढ़ाई कहाँ करा रहे हो? पढ़ा रहे हैं आप बोलो। बड़ी बड़ा बोल नहीं पा रहा कुछ। क्या तो पहले लाइट थी यहाँ पे, नीचे हो गई आंधी की संग, गिरे में मोरे गिरे से पूरी केबल डरी, छत्तन पर डरी, बस लाइट नहीं है। अभी लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, खम्मा नहीं गड़ रहा है, खम्बे गिर गए थे क्या? खम्मा जो मंगवाए थे इसलिए डरी, गड़ी नहीं। पुराने तार थे पहले जो लगे, जी जी डरी है थी पहले, जी टूटी डरी केबल नहीं। बेनी हमें लड़का की हो जाएगी ना, पढ़ते हो तुम? लाइट नहीं है तो पढ़ाई में दिक्कत होती है? हाँ होती है। कैसे पढ़ाई करते हो? हम दिए जला के कर लेते हैं, कैंडल वगैरह। अगर लाइट हो तो अच्छे से पढ़ पाते हो? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? ऋषभ यादव। कौन सी क्लास में? सिक्स्थ। तो दोस्तों मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है क्योंकि ये बहुत अंदर गांव है और मैं बहुत अंदर आ गई थी, चलते चलते समझ में नहीं आया कौन से गांव जाओ। तो कई गांव जाने के बाद मुझे एक ही गांव मिला काफ़ी दूर चलने के बाद। तो अभी शाम हो चुकी है, अब मैं यहाँ से निकलूँगी, काफ़ी दूर मुझे जाना है। और यहाँ पे जब मैं आई थी तो मुझे गाय देख के जो अन्ना पशु यहाँ बैठे थे तो काफ़ी अजीब लगा था कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये जो जानवर है काफ़ी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो अजीब लगा था देख के कि बच्चों को भी हो सकता है खतरा हो। लेकिन यहाँ पे जब और बात की और लोगों से जानने की कोशिश की तो ये बताया गया कि यहाँ पे लाइट जो है 2 महीने से नहीं आ रही है। 2 महीने पहले जब ओला गिरे थे उस टाइम पे लाइट के तार टूट गए थे और इसकी वजह से यहाँ की लाइट जो है अभी तक आ नहीं रही है। और लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे फ़ोन चार्ज करना है या कोई रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा चार्ज करना है तो वो दूसरे गाँव में जा कर के चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें भी